ये रानी मक्खी भाई डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता था भाई, मैंने देख लिया था भाई। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर फेंसिंग का काम कर लिया और देख रहे हो भाई, और एक सेकंड भाई साहब वहाँ पर यार भूत आ रखा है भाई, और इसको मैं पेंट देख रहा हूँ भाई साहब। ऑल राइट गाइस, इतने सारे पंपकिन यहाँ पर मेरे आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं डिनकुम के एक और मजेदार एपिसोड को लेकर के। तो आज ना गाइस हम लोग काफी ज्यादा तबाही मचाने वाले हैं। मेरी यार आज काम करने की लिस्ट यार कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो इसलिए मैं एक एक करके आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला। फिलहाल हाँ मैं आप लोग को कुछ कुछ अपडेट देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या क्या किए थे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देख लो भाई, पंपकिन यहाँ पर आ रखे, वैसे ज्यादा तो आए नहीं है, कुछ कम ही आए हैं। बट यार मैं आप लोग को इसका रीजन बता देना चाहता हूँ कि ये कम क्यों है। लाइक यार सबको यार एक साथ आना चाहिए था, बट यार ऐसा कुछ सीन हुआ नहीं। तो देखो यार बात कुछ ऐसी थी कि जब अपने वाटरमेलन के प्लांट सूख गए थे ना, तब यार यहाँ पर भी इसकी लत्तियां ऐसे पड़े हुए थे, जिसके कारण यार इन सारे चीजों को यार जगह नहीं मिल पाई, और उसी कारण यार वो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। और जब वो सारी चीजें मैंने हार्वेस्ट कर ली, तब जाकर के ये लोग आपस में से कनेक्ट हुए। आई होप यार आप लोग समझ चुके होंगे। तो फिलहाल ना गाइस एक काम कर सर, यहाँ पर जितने सारे टमाटर वगैरह सब है ना, इन सब को मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लेता हूँ। और आज ना गाइस आज हम लोग यहाँ पर इनको सजाने का काम करने वाले हैं, और साथ ही साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद ना गाइस मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ऑल राइट गाइस, फाइनली मैंने यहाँ के सारे सारे टमाटर कलेक्ट कर लिए। अब ना गाइस यहाँ पर बस पंपकिन बाकी है, लेकिन पता एक प्रॉब्लम वाली बात क्या हुई। मैंने कहा सो रहा भाई इसे यहाँ पर डेकोरेट कर दो, बट यार सीन कुछ ऐसा कि भाई हम लोग यहाँ पर फिलहाल टाइल्स नहीं लगा सकते हैं, वो यार इसीलिए क्योंकि यार यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आ रखी है। फिर यार टाइल्स लगाना अब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता, बट यार एनी वे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हम लोग बाद में भी उसे लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक आध ये बच गए थे जिसे मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। और एक सेकेंड भाई साहब इस डॉगी ने यार किसे मार दिया, आई के सर इन्होंने कंगारू को ही पीटा होगा। ठीक है यार कोई नहीं यार पीटने देते हैं। तो अभी एक सेकंड यार अपने कंगारू यहाँ पर थोड़े से तादाद कम मुझे लग रहे थे, तो यार डॉगी ने इसके अंदर तो आकर किसी को हर्ट नहीं किया ना, नहीं यार तो कोई सीन है नहीं। तो फिलहाल ना गाइस यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ, और यहाँ पर एक आध चीज़ अगर आ रही होगी तो मैं ये कलेक्ट कर लूँगा। और गाइस यहाँ पर मैंने अपने सामान को थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। बाकी कोई नहीं यार, मतलब यार ये सारी चीज़ें मैं ऐसे कस्टमाइज़ किया करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यार ये तो भाई ऐसे कॉमन से है। और एक सेकंड भाई साहब यहाँ पर एक और बीटल आ रखा है भाई, इसे पकड़ कर सबसे पहले मैं सेल करवा देता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता है भाई। और एक सेकंड यार एक बार मैं देखूँ तो यार आगे से यार मैंने इसे ऑलरेडी पकड़ रखा है, डायनोसोरस बीटल। ऑल राइट एक बार मुझे ये चेक करने दो कि इसे मैंने पकड़ा या फिर नहीं पकड़ा। ऑल राइट गाइस आई गेस यार यही वो बीटल है। और भाई साहब क्वीन बी को अभी तक हम लोगों ने उसके अंदर नहीं दिया, म्यूजियम के अंदर नहीं दिया है, तो मुझे इसे भी यहाँ पर देने पड़ेंगे बाकर हम लोगों ने। और भाई साहब बी को भी अभी तक मैंने म्यूजियम के अंदर नहीं दिया है। लाइक यार मुझे ऐसा लग रहा है ना भाई वो लोग लेते भी तो नहीं है यार, मैंने बार ट्राई तो की थी बट यार वो लोग नहीं लेते यार, मुझे पता है यार। और फिश के अंदर अगर मैं देखूँ तो काफ़ी सारे फिश वैसे मेरे को मिली तो है, और ये कौन सी है भाई। ऑल राइट गाइस ग्रेलिंग भी अभी तक मैंने उसके अंदर नहीं दिया, और ये स्टिंगरे भी मैंने नहीं दे रखी, और गोट फिश भी मैंने नहीं दिया। तो अगर ये सारे फिश मुझे मिलती है तो मैं डेफिनेटली दे दूंगा। और इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो मैंने हर एक आइटम सबसे पहले यार उसी के अंदर दिया है, क्योंकि तब तक यार म्यूजियम इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ पर जितने सारे आइटम वो मैं इन्हीं के अंदर जाकर दे देता हूँ। तो चलो यार इतना काम फिलहाल अपना हो चुका है, तो अपने मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले निकाज यहाँ पर हम लोग फेंसिंग का काम करेंगे, और फैंसी के लिए निकाज हम लोग यहाँ पर कौन सी गेट बनाने वाले वो तो अभी तक मैंने डिसाइड किया नहीं हूँ। वैसे ये कौन वाले, ये आई थिंक गमलो के, तो हम लोग निकाज इस बार पाम वुड के, नहीं यार इसके अंदर भाई पाम वुड के एक बार काम करते हैं, चल करके भाई देख लेते हैं ये कौन से गेट वे मुझे यहाँ पर लगानी चाहिए। अगर अच्छी वाले गेट वे नहीं, मैं फैंस की बात करूँ, अगर अच्छी वाली फैंस मेरे को मिल गई तो वाई नॉट यार हम लोग उसे यहाँ पर लगाएंगे। फिलहाल हाँ यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, और गाइस यार क्यों ना इसके अंदर मैं हार्डवुड के फैंस लगा दूँ, मतलब ऐसी मजबूती वाली फीलिंग भी है, क्योंकि यार अब यही एक फेंस है जो कि मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। बाकी पाम वुड के मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, और गम वुड के भी मैंने कहीं ना कहीं लगा ही रखे हैं, तो मैं इस बार हार्डवुड के लगाता हूँ, और हार्डवुड के गेट भी मैं लगा ही दूंगा। वैसे गेट लगाना कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट स्टिल मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। तो अपने कहा मैं सीधे चलता हूँ भाई, इसके लिए हार्डवुड चाहिए और नेल्स चाहिए, तो मैं यहाँ से अपने हार्डवुड के प्लैंक लेता हूँ। वैसे हार्डवुड के प्लैंक यार नौ पड़े हैं भाई साहब, देख रहे हो भाई यार अलग ही ड्रामे है भाई इनके भी।
एक काम करते हैं, इसको मैं किसके जगह पर रखूं, इसके जगह पर रख लेते हैं। ऑल राइट गाइस, फिलहाल मुझे यहाँ पर जो चीजें लेने की जरूरत है उतने सारे सामान मैंने यहाँ पर ले लिया, तो फटाफट से यार चलते हैं। इसको यहाँ पर मैं बनाना स्टार्ट करता, वैसे यार अपनी टेबल तो ये रही, तो फटाफट से सबको मैं इसके अंदर यहाँ पर डालना स्टार्ट करता काफी ज्यादा स्पीड में। और ये ना गाइस जल्दी जल्दी यहाँ पर प्लैंक बन जाएंगे। वैसे आई गेस यार अपनी ये खत्म हो गई है, ठीक यार इसका काम यहीं तक था, बट यार सारे सर ये खत्म हो रखे। अरे एक सेकंड भाई साहब, यार ये मुझे नहीं पता था भाई, मतलब इसके ऊपर भाई ऐसे ट्रेजर से आ जाते हैं, देख लो भाई कितने ज्यादा ड्राम में है भाई इनके भी। ठीक है यहाँ पर मैं एडिटर लगा देता हूँ, और एक आध ट्रेजर अगर इधर उधर पड़ी होगी तो मैं ले लूंगा, बाकी मुझे नहीं था तो ठीक है यार उसे यहाँ पर रहने देते हैं। तो चलते हैं यार सीधे इनको ले करके, और मुझे इनके यहाँ पर फैंसेज वगैरह सब बनाने हैं जो कि मैं दबा करके यहाँ पर बनाने वाला हूँ कुछ ज़्यादा ही। और एक सिलेंडर मैं देख लेता हूँ क्योंकि अपने पास हार्डवुड के फैंस नहीं, यार पामवुड के है बट यार हार्डवुड के फैंस अभी तक अपने पास नहीं है, गमवुड के भी है इनफैक्ट बट यार हार्डवुड के नहीं है, तो मुझे आगे से यार यहाँ पर हार्डवुड के बना ही लेने चाहिए। ऑल राइट गाइस डन, फिलहाल मैंने यहाँ पर फेंसिंग का अच्छा खासा काम यहाँ पर कर लिया, तो फटाफट से ना चलते अपने खेत पर और उसे मैं यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अब यार अपने पास उतना वक्त नहीं है आज, यार हमें काफी कुछ यहाँ पर करना है। वैसे आज नहीं, आई मीन इस वीडियो में मैं यहाँ पर काफी कुछ करना है, तो मैंने कहा था फेंसेस को यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, और इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे ताकि यार एक आध यार इधर उधर ना लग जाए। तो फिलहाल यार यहाँ तक अपनी टच होने वाली है, और इसी तरीके से मुझे आगे तक यहाँ पर लगाने हैं जो कि मैं काफी फासले यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और यार एक आध यार इधर उधर लगे गए यार, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, तो मुझे कहा ये वाली यहाँ से पिकअप करनी पड़ेगी। ठीक है यार यहाँ पर भी मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, और एक काम करते इसको मैं यहाँ पर लगा, बट यार ये थोड़ी बहुत क्लोज लुक नहीं दे रहा लाइक, देख रहे हो यार जरा सा भी यहाँ पर गैप नहीं है। और गाइस एक बात मैंने अभी यहाँ पर नोटिस किया, लाइक यार अभी इनको गाइस बनाने के लिए यहाँ पर तीन तीन वुड लगे थे, आई मीन प्लैंक लगे थे, तो यहाँ पर तीन तीन प्लैंक कैसे लगे हुए, बट यार इनको बनाने के लिए मुझे यहाँ पर दो लगे थे, तो यहाँ पर दो ही पड़ी हुए। ठीक है यार ये तो भाई और अच्छी बात है भाई, मैंने यार एक एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रखी है। ठीक है फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ और देखते भाई मैं कहाँ तक यहाँ पर लगा सकता हूँ। ऑल राइट गाइज यहाँ पर अपने फैंस खत्म हो चुके हैं, तो इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर लगा नहीं सकता। और एक बात बताओ यार, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर यार कंगारू तो घूम ही रहे, बट यार उसका यार कोई चक्कर नहीं है क्योंकि यार कंगारू अपने को नुकसान तो नहीं पहुँचाते हैं, बट यार एक बात आप लोग को बताओ तो वो जो परिंदे तो होते हैं ना वो यार अपने को काफ़ी यार दिक्कत कर रहे हैं भाई, तो उसके लिए ना मैं काम करूँ ना खेत के अंदर कुछ कुछ डॉगीज छोड़ दूंगा, अगर एक आध परिंदे अगर इधर उधर घूमेंगे तो भाई अपने डॉगी ना उनको लपेट देंगे, और एक तरह से यार आप लोग कह लो कि भाई ये एक ड्रमेस्टिक का भी फार्म हो जाएगा ये खेत, तो क्या इधर देख रहे हो भाई मतलब है तो भाई ऐसे खेत बट यार मैं इसका ड्रमेस्टिक का फार्म बना रहा हूँ। तो कोई नहीं यार फिलहाल एक काम करते यार, मैं ना चलता हूँ भाई और भी फेंसेज वेंसे बना लेता हूँ, क्योंकि यार वो भाई कमी पड़ गई तो हम लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, आई मीन इसके अलावा इनको बनाने के अलावा यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। और गाइस अपनी हार्डवुड के प्लैंक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, वैसे नेल्स अपने पास यहाँ पर काफी ज्यादा तो है नहीं बट हम लोग स्टिल उसे बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना अपने को यार प्लैंक की कुछ ज्यादा ही गंदी कमी पड़ गया। तो फिलहाल ना गाइस चलता हूँ भाई मैं हार्डवुड को कट कर लेता हूँ, और उसके बाद ना गाइस हम लोग यहाँ पर आए काम कंटिन्यू करेंगे। वैसे गाइस अभी ना मुझे दो दो यहाँ पर बी के छत्ते मिले हैं, तो मैंने कहा जैसे यहाँ पर तोड़ने वाला सबसे पहले बगनेट को यार यहाँ पर रख लेते हैं ताकि मैं इजीली उसे यहाँ पर पकड़ पाऊँ, तो फटाफट से इसको तोड़ते हैं और अपने बगनेट निकालते हैं। और एक सेकंड यार एक सेकंड, मैंने इसे यहाँ पर तोड़ा भी नहीं, ठीक है फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर तोड़ दिया, पकड़ो यार। और एक यार यहाँ पर रानी मक्खी है भाई, तो फटाफट से मैं इसको, मुझे पता था भाई देख करके मेरे को लग रही थी, तो फिलहाल मैंने इसे यहाँ पर पकड़ लिया, अपने पास एक और रानी मक्खी आ चुकी है और उसका ना गाइस हम लोग वहाँ पर बी हाउस बना लेंगे। ठीक है यार आई मीन मैंने सही बोला, ठीक है उसका नाम बी हाउस ही है, तो मैं यहाँ पर उसका बी हाउस बना लूंगा। बाकी काम कर सर, एक आध जो पेड़ इधर उधर है ना जो कि यार मुझे डिस्टर्ब कर सकते हैं उसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। आई गेस यार इतने मैंने यहाँ पर कट कर दिए फिलहाल। हाँ अब ना गाइस एक सेकंड यहाँ पर यार क्या है भाई, आई गेस यार ये फ्लाई है मुझे लग रहा भाई, क्योंकि दोनों के दोनों मक्खियों को यार मैंने पकड़ तो लिया है। हाँ ये भाई फ्लाई थे और अपनी एनर्जी यहाँ पर लॉस हो चुकी है, कोई नहीं यार हम लोग यहाँ पर केले वाले से खा लेते हैं, अपनी एनर्जी यहाँ पर फुल हो जाएगी। चलो अपनी एनर्जी यहाँ पर फुल हो चुकी है, और अब ना गाइस मुझे यहाँ पर बी के छत्ते तोड़ने हैं, और फटाफट सर मेरे को बी यहाँ से पकड़नी पड़ेगी। वैसे एक और रानी मक्खी भाई, ये रानी मक्खी भाई डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता था भाई मैंने देख लिया था भाई। तो फिलहाल ना गाइस, और एक सेकंड भाई साहब, अपने पॉकेट यहाँ पर फुल हो रखी है भाई, तो चलो गाइस यहाँ पर अपनी पॉकेट फुल हो रखी है। और आई गेस यार इतना का ही यहाँ पर फिलहाल काम था, इससे तो मुझे यहाँ पर कुछ करने थे नहीं। वैसे हाँ मुझे यार आई गेस यार लग रहा है भाई और भी मुझे हार्डवुड की जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे ये लोकेशन बदलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर यार ज़्यादा ये पेड़ बचे नहीं है। वैसे एक आध पेड़ यहाँ पर है तो सही, बट यार इसे मैं यहाँ पर कट कर ही लेता हूँ लगे यहाँ, अगर एक आध बढ़िया बढ़िया चीज़ें यार ये लोग गेड़ दे तो काफ़ी सही बात होगी। और गाइस यहाँ पर यार एक मगरमच्छ भी घूम रहा है जो कि मैं डेफिनेटली उनसे पंगे नहीं लेने चाहता हूँ,
कर अभी यार उनसे पंगे लेने में यार टाइम वेस्ट कौन करेगा। बेसिकली मैं ले तो सकता हूँ बट यार वो टाइम वेस्ट लग रहा है भाई फिलहाल। तो फिलहाल लगा ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कलेक्ट करता हूँ। आई गेस यार इतना काम ना यहाँ पर हो चुका है, फिलहाल इधर के साइड पर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत और हार्डवुड के पेड़ से मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। वैसे गाइस देखा जाए तो अपने पास यहाँ पर 52 प्लैंक हो चुके हैं, प्लैंक नहीं आई मीन लॉग हो चुके हैं, जो कि यार इनफ है भाई, इससे ज़्यादा मुझे यहाँ पर चाहिए भी तो नहीं। तो फिलहाल ना मैं चलता हूँ भाई सीधे अपने घर पे, और अपने घर पे ना गाइस बाकी की सारी चीज़ें बना लूँगा। और गाइस अगर आप लोगों में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई कंगारू के फार्म से होते क्या है, तो देखो अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आप लोग को पता होगा। बांकेट जिनको नहीं पता तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इनके में ये सारे सामान जो वो मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली ये सामान देने के काम आते हैं, मेरे पास यार ये छोड़ के यार कोई और चारा नहीं था। मैं यार कंगारू के फार्म, भाई साहब वो कंगारू भाई यहाँ से स्केप कर गया, लग रहा है कैसे यार वो अपने फार्म में पहले से था या फिर वैसे यार एस्केप तो करना चाहिए नहीं, बट यार आई स्टिल यार मुझे नहीं पता था भाई वो एस्केप कर जाएगा। आप लोग ने गाइस मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये कंगारू यहाँ से एस्केप किया है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है वो भाई पहले से ही बाहर घूम रहा था। चलो यार कोई नहीं यार एस्केप किया तो किया। अपने पास यार पर और भी कंगारू पड़े हुए हैं, और गाइस अभी यार अपनी एक माइलस्टोन मुझे मिली है, पता नहीं यार उसे मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लूँगा, देखते भाई हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर जितने सारे लॉग थे उसके मैंने यहाँ पर प्लैंक बना लिया है। अब ना गाइस चलते भाई सीधे क्राफ्टिंग करने के लिए, क्योंकि यार अब यार काफ़ी टाइम हो चुका है। तो फिलहाल हाँ मुझे यार यहाँ के माइलस्टोन भी कलेक्ट करने भाई, देखना है भाई यहाँ पर। और राइट गाइस ये वाली माइलस्टोन मिली है, ठीक है यार दे दो यार। तो फिलहाल हाँ मुझे यहाँ पर क्या बनाने थे भाई, यहाँ पर मुझे बनाने थे, और एक सीन यार अभी माइलस्टोन यार अच्छी खासी यहाँ पर आ रखी है, वाटरफोर्ड क्रॉप। ऑल राइट तो मुझे चार पौधों में पानी पटाने, मैं पटा दूंगा यार कोई नहीं यार। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर अच्छे खासे फेंसिंग का काम कर लिया है, और मैंने कहा सोरो भाई यहाँ पर गेटवे भी बना लूँ। लाइक यार गेटवे यार मुझे नहीं पता कि भाई मैं कहाँ दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताऊँ ये पूरी फार्म जो है ना वो उसकी फेंस जो है वो यहाँ पर इवेंट नंबर पर सेट है, तो उसकी तो यार मिडिल पार्ट तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो ठीक है यार फेंस यार छोड़ो यार, आई मीन फेंस नहीं मैं गेट यार दूंगा नहीं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसे लगाना स्टार्ट करता हूँ, और ये ना इधर कहीं साइड पर लगने वाले हैं क्योंकि उधर तो यार कोई गैप है ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ, फिलहाल इसके ऊपर मुझे पता भाई नहीं लग पाएंगे। चलो यार लग गए यार अच्छी बात है। और राइट गाइस डन, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर फेंसिंग का काम कर लिया, और देख रहे हो भाई इनकी यार हरकतें यहाँ पर सुधरने वाली है नहीं भाई। तो क्या इधर पता प्रॉब्लम वाली बात क्या हुई, मैंने कहा इनको यहाँ पर मार भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं गलती से भी यार इसको मारने की कोशिश करूँ ना यार तुम यार मेरी फसल को क्यों ख़राब कर रहे हो भाई। अगर मैं इसे गलती से भी मार भी दिया ना तो पता है क्या होगा, लाइक यार एक आध प्लांट अपने यहाँ पर टूट जाएंगे, तो वो यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और वेट अ सेकंड भाई साहब यहाँ पर यार एक आध टमाटर पड़े हो भाई, दो ही टमाटर मिले हैं, मुझे लग रहा है भाई वो परिंदे यार एक उठा करके ले गए यार। ये भाई काफ़ी अनोइंग लगती है, मैं नहीं चाहता भाई इतने सारे मेहनत के बावजूद जो हमें सामान मिले हैं उससे यार कोई और उठा करके ले जाए। फिलहाल हाँ एक काम मुझे ये करना पड़ेगा कि अभी मुझे दो दो बी क्वीन मिली थी ना तो उसके मुझे वो बनाने पड़ेंगे। फिलहाल एक काम करता यहाँ पर मैं पानी पटा देता हूँ, क्योंकि पानी पटाने भाई एक माइलस्टोन आ रखा तो यार पटाई देते यार क्या ही जाता अपना। तो चलो यार मैंने यहाँ पर पानी पटा दी, और इसे देख रहा भाई मैंने कब से यहाँ पर छोड़ रखा भाई, बट यार कोई सीन हो नहीं रहा इनका। तो चलो यार इसे रहने देते हैं। तो अब ना यहाँ पर हमें क्या बनाने थे भाई, हाँ हमें यहाँ पर बी हाउस भी बनाने हैं, और अपने पास यहाँ पर देखा जाए तो दो ही बी हाउस पड़े हुए हैं, दोनों के अंदर यहाँ पर ये आ रखे, इसे यहाँ पर कलेक्ट कर लिया हूँ। और चलते भाई सीधे अपने घर पे, और देखते भाई क्या अभी मैं बी हाउस बना पाता हूँ या फिर वैसे यार बना तो लेंगे ही कोई सीन है नहीं। तो फिलहाल अपने फालतू सामान मैं रखवाता हूँ, और बी हाउस के लिए जो जो सामान चाहिए वो मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो चलो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर दो दो बी हाउस बनाने के लिए जितने सारे सामान चाहिए वो मैं यहाँ पर ले लिया हूँ, और इनको गाइस मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि काफ़ी सही सीन है भाई। अपने को यहाँ पर दो दो बी हाउस मिल चुके हैं, और अपने इन्वेंट्री में ये आ चुकी होगी। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ पर इक्विप इसके जगह पर कर लेते हैं भाई, कोई सीन है नहीं। तो चलो यार यहाँ पर मैंने इसे इक्विप तो कर लिया, और चलते भाई इनको मैं लगे हाथ यहाँ पर लगा दूंगा। और गाइस फिलहाल यहाँ पर रात का सीन हो रखा है, तो भाई अभी आई थिंक यार मुझे चल करके सोना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर जो जो काम करने चाहना वो मैंने पर कर लिया, और अभी ना तो यहां पर कोई क्वेस्ट है ना ही और कुछ है, तो यहां पर मैं क्या ही करूंगा। और अभी ना गाइस आप लोग जो देख रहे हो भाई मैं बी हाउस को अपने कहीं पर भी लगा दे रहा हूं, तो ये ना गाइस मैं इसकी लोकेशन बदल लूंगा। बेसिकली सीन को जैसा है भाई यहां पर मैं इसे, जबकि ये घड़ी अपना टेंपरेरी है तो मैं क्या ही करूं। तो फिलहाल आप लोग जो ये वाली लोकेशन देख रहे हो ना, ये वाली लोकेशन अब हम लोग यहां पर छोड़ करके जाने वाले हैं। जी हां गाइस इसके बारे में आप लोग को कल सुबह बताने वाला हूं, बाकी यहां पर जो चीज है वो मैं अभी फिलहाल सेल मैं चाह रहा भाई इसे यहां पर सेल करवा दो, बट यार मैं सेल भी नहीं करवा सकता। तो ठीक है यार ये सारी चीज़ें मैं कल सुबह आप लोगों से डिस्कस करूंगा, मैं काम करता हूँ इनके सामाने में उठा करके सो जाऊंगा। और राइट गाइस हो चुके प्यारी सुबह, फिलहाल मैं इसके अंदर देखता भाई,
तुम्हें यार वुडन कैरेट चाहिए, ठेकर तुम्हें मिल जाएंगे, जोन को चाहिए भाई ठेकर, मैं जोन को ये लागर दे दूंगा। फिलहाल ही काम करते चलते भाई अपने खेत के अंदर और देखते भाई क्या उसके अंदर हमें यहाँ पर फिलहाल कुछ मिले या फिर नहीं मिले, और इन सब चीजों को मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा देता हूँ ताकि यार ये लोग भाई मत यहाँ पर बनते रहे, मतलब इनका काम यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। और गाइस यार ये काफी गलत है भाई, मतलब हम लोग को यार इसे बनाने में भाई एक दिन लग जाता, कुछ यार टाइम ले लो, बट यार एक दिन यार कुछ ज्यादा ही भाई। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर चलू ना तो गाइस यार यहाँ पर फिलहाल कुछ आ तो नहीं रखे हैं, बट यहाँ पर अपने गोभी गोभी भी यहाँ पर नहीं आ रखे हैं। तो गाइस देखो सीन कुछ होता भाई, मुझे यहाँ पर गोभी की कुछ खास जरूरत तो पड़ती है नहीं, तो मैंने गाइस यहाँ पर क्या करने वाला आप लोग को मैं बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर गोभी इसीलिए लगाया ताकि ये जल्दी से यहाँ पर उग करके आ जाए, और उसके बाद ना गाइस हम लोग यहाँ पर पता है क्या लगाएंगे, हम लोग अपने एनिमल का खाना लगाएंगे। जी हाँ गाइस आप लोग सही समझ रहे हो, हम लोग ना गाइस यहाँ पर कॉर्न लगाया करेंगे, और इससे ना गाइस हम लोग दबा करके यहाँ पर खाना पीना मस्त बनाते थे एनिमल के लिए, और ये अपने खाने पीने के सामान है। और बीन्स ना गाइस इनके हटने के बाद मैं लगाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बीन्स भी चाहूँ तो लगा सकता हूँ, आई डोंट नो यार, आई थिंक नहीं यार अभी मैं बीन्स नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी लगा पाता तो बीन्स अपने यहाँ पर सूखते नहीं। तो फिलहाल मुझे आई थिंक यार कॉर्न लगाने की जरूरत है। तो अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। लाइक यार हम लोग अपने खेत में तो यार कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें बातें करूंगा कि मैं कुछ घर बनाने के बारे में बता रहा था। तो देखो अर्सीन कुछ एक काम करता है, सबसे पहले मैं इनको यहाँ से माइन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को हर एक प्लान में आप लोग को बताऊंगा आज। ऑल राइट गाइस डन, फिलहाल अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है, मैंने माइनिंग वाइनिंग मस्त कर ली है। तो अपने गाइस मैं आप लोग को बता तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला, सबसे पहले मैं एक अच्छी जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, आई गेस यार ये सबसे ज़्यादा प्यारी जगह है फिलहाल। हाँ इस साइड में घूम करके खड़ा होना चाहता हूँ मैं यार, ऐसे उल्टा खड़ा होना नहीं चाहता हूँ। एक सेकंड यार मुझे यार एक अपने एक अच्छे से स्पॉट पड़ाने दो। ऑल राइट गाइस हम लोग काफ़ी यार सही स्पॉट पड़े। तो देखो यार अभी मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि अब ना गाइस हम लोग ये वाले जो घर है वो यहाँ पर छोड़ करके चले जाएंगे, बस समझ लो कि भाई यहाँ से घर जाने वाले हैं और ये सारी मशीन्स जाने वाली है, और हाँ यार सारी मशीन्स यहाँ से मैं लेकर के जाऊँगा, बाकी यहाँ पर जो फर्नीचर वगैरह सब मैंने बाहर में लगा रखे है ना उसे मैं एज इट इज़ यहाँ पर रहने दूंगा। नाव में लेकर के चले जाऊँगा, अपने जेस्की को मैं लेकर चले जाऊँगा, ब्रिज में रहने दूंगा, मतलब काफ़ी कुछ है भाई। और रूबी को तो यार डेफिनेटली मैं लेकर के जा नहीं वाला, और फ्लावर वगैरह सब मैं लेकर के चले जाऊँगा, या फिर सोचूंगा फ्लावर के बारे में मैं फ्लावर का क्या करूँ। वैसे एक आध फ्लावर ही तो जाएंगे, वैसे अपने पास देखा जाए तो भाई फ्लावर तो भरे पड़े हैं, बटर उतने भी नहीं है, तो मुझे है कि सर फ्लावर को लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ से लेकर चले जाऊँगा। आपने कुछ एपिसोड पहले देखा हो कि मैंने ना गाइस एक जगह डिसाइड की थी जहाँ पर मैं अपनी परमानेंट हाउस को बनाने वाला हूँ। तो गाइस अब तक जो आप लोग यहाँ पर जो चीज़ें देखे ना तो ये एक बस ट्रेलर था, इसके बाद जो हम लोग काम करने वाले हैं वो अब से लेकर के शुरू होने वाले हैं, अब ना गाइस कुछ बड़े लेवल पे। और एक सेकंड भाई साहब वहाँ पर यार भूत आ रखा है भाई, यार उधर देखो भाई, यार अपने बेस में भाई कुछ है भाई, जल्दी यार तेरी भैंस की, यार यार तू क्यों इतने गंदे मजाक कर रहा भाई है भाई, यो बता तू के मजाक कर रहा भाई, इधर घूम तेरी भैंस की आंख। यार मैं एक पल को यार डर गया था भाई, वहां पर आके आया कौन, तो ठीक है यार देख रहे भाई इनको भाई फुर्सत नहीं है भाई, ये लोग देखो कैसे घूम रहे हैं। तो क्या सर अब हम लोग यहाँ पर कुछ बड़ा गेम खेलने वाले हैं, और हम लोग ना गाइस यहाँ पर बनाने वाले अपने लिए एक परमानेंट हाउस जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, और उसकी लुक ना गाइस मैं इतनी खतरनाक बनाने वाला हूँ ना, तो शायद ही डिनकुम में यार किसी ने उसे बनाया होगा। तो क्या सर उस लेवल पर मैं यहाँ पर डेकोरेशन करने वाला हूँ, हर एक चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो देखो अर्सीन कुछ ऐसा था कि भाई मैं चाहता तो भाई यहाँ पर अपने एनिमल के भी फार्म बना सकता था, बट यार ये प्रॉब्लम वाली बात आ रही थी कि अगर मैं आप लोग को बताऊँ अपने एनिमल के जो फार्म है ना वो अगर मैं यहाँ पर बना देता, और अगर मैं उधर अपने घर को बनाता, तो एक बार आप लोग सोच के देखो यार मैं इतने सारे एनिमल को लेकर के यार कहाँ जाता, लाइक यार मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता यहाँ से वहाँ तक, तो ये सारे प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ जाती। इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर सोचा, मैंने सोचा नहीं यार अब वो टाइम आ चुका है कि जब हम लोग यहाँ पर अपने परमानेंट हाउस को बना ले काफ़ी ओपी लेवल पर, और उसके बाद नगद में सारे एनिमल को उसी के अंदर रखने वाले हैं। और फिलहाल नगद मैं चलता हूँ भाई इधर के साइड पर, नहीं यार अभी मुझे एक काम ये करना है कि मुझे चलना भाई फ्रैंकलिन के पास, और उनसे नगद मुझे एक और कॉम्पैक्टेड बनाने हैं। वो कंप्यूटर मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई दो कॉम्पैक्टेड मुझे लेकर ही चलने पड़ेंगे, एक मुझे चार्जिंग में लगाने हैं और बाकी मुझे यहाँ पर यूज करने हैं। वैसे नहीं यार एक मुझे चार्जिंग मैं यार एक दिन में दोनों यूज करने वाला हूँ। तो फिलहाल नगर इनको मैं बोल देता भाई मुझे कॉम्पैक्टेड बना करके दे भाई तू। तो जिनको नहीं पता मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इनसे नगर हम लोग डर्ट को लेवल करते थे, और इसकी प्राइस यहाँ पर 50,000 है, और इसके लिए मुझे यहाँ पर हॉट सिलेंडर वगैरह सब चाहिए जो कि यार इजिली मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। कोई नहीं यार मैं चलता भाई इसे दे दूंगा हर एक सामान। तो ठीक है यार फिलहाल इसकी जब प्राइस यहाँ पर 50,000 है तो अपने पास यार 50,000 है, और मैं ना गाइस एक काम करूँगा मैं यहाँ से ना गाइस अपने जितने सारे साइनी डूस है वो भी मैं यहाँ पर आकर के सेल करवा दूंगा। तो चलो गाइस फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर सारे सारे सामान ले लिए,
और दादी मैं तुम्हारा गेट यार यहाँ पर खुला रह गया, मुझे पता यार मुझे ही लगाने की जरूरत है इसे। तो ठीक है फिलहाल मैंने दादी माँ के गेट यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो अब ना गाइस मैं सीधे चलता हूँ भाई फ्रैंकलिन भैया से मिलने के लिए, और इनको ना गाइस मैं बोल देता हूँ कि तुम भाई तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो यार ले लो। और एक सेकंड भाई साहब अपनी यार एक सेकंड मुझे देखनी पड़ेगी भाई अपने सवल, चलो यार कच्ची है यार मैं कच्ची वाली सवल इसे दे देता हूँ, या फिर भाई पता चले कि भाई ये भाई अपने को कच्ची वाली ये कॉम्पिटेटर दे दे भाई, तब तो यार काफ़ी यार गलत ही पंगा हो जाएगा। ठीक है मैंने यहाँ पर इसे दे दिया और एक सामान भाई, तो किससे बात करो यार, देख रो भाई ये भी भाई अलग ही एटीट्यूड वाला है भाई, मतलब थोड़ा सा ये हुई ना बात यार भाई। उधर यार तू किससे बात करता है यो बता भाई, इतनी बिजी रहता है भाई तू। चलो मैंने फिलहाल इसे हर एक सामान तो दे दिया, अब ना मुझे एक सवल की जरूरत है, तो मैं यार चलता हूँ भाई एक नई वाली सवल मैं बाय कर लेता हूँ। वैसे अपने पास यार एक पड़ी होनी चाहिए, अगर पड़ी हो तो अच्छी बात होगी, वरना हम लोग नई वाली यहाँ पर बाय कर लेंगे। वैसे अपने पास यार सवल तो है नहीं, और मुझे पता है भाई मुझे ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ भाई जोन संकल से सवल मैं बाय करता हूँ। और यार मैंने सानी डिश यार उसे सेल किए नहीं, तो सेट यार काफी गलत पंगा भाई, मैं चलता हूँ सानी डिश भी सेल करवा दूंगा। और लेट गाइस फिलहाल मैंने यहाँ पर इसे सानी डिश दे दिया, और इसके बदले में ये हमें यहाँ पर 2,42,000 दे रहा है। ठीक है दे दो यार कोई नहीं, तो फिलहाल मैं चलता हूँ यार इसके पास। आए गए थे यार मुझे किसके पास यार, ये कंगारू भाई, चलो यार उसे घूमने देते भाई, वो तो अपने विलेज की शान है भाई। तो फिलहाल ना मुझे किसके पास चलने भाई, जोन संकल के पास चलने हैं, और मुझे पता है भाई इनसे हमें क्या क्या काम करना है। लाइक यार मुझे ये सारे सामान सेल करना है जो अपने पास यहाँ पर फिलहाल फालतू पड़े हुए है, तो वो मैं ये कीट पतंग से जो है ना अपने पास ये मैं सेल करा, क्योंकि यार मेरे पास यार ये भरी पड़ी है भाई, तो फिलहाल इनको मैं देता हूँ। चलो यार काम करो यार तुम ले लो यार कोई नहीं यार, और बदले में जितने पैसे हो सकते हैं यार चिल्लर विल्लर से मुझे दे दो। चलो मैंने इसे चिल्लर विल्लर ले लिए फिलहाल इनसे, और अपना गाइस मैं चलता हूँ भाई सीधे अपने स्पॉट पर, और वहाँ पर ना गाइस हम लोग दबा करके कुछ काम करने वाले हैं। वैसे एक काम करो यार मुझे यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। लेकर एक बिल वेरो मैं ले लेता हूँ, और एक और बिल वेरो थी बिल वेरो या फिर व्हील वेरो पता नहीं यार मैं क्या ही बोले जा रहा हूँ, और एक और व्हील बैरो थी जो कि मुझे आगे से यार यहाँ पर लेनी चाहिए। फिलहाल अपने को एनर्जी की यहाँ पर काफ़ी गंदी कमी पड़ रही है, वैसे वहाँ से यार बनाना तो पड़े फिर यार कोई सीन है नहीं अपना। फिलहाल ये वाले व्हील बैरो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे पता है भाई डेफिनेटली ज़रूरत पड़ने ही वाली है। और वहाँ पर ना सीधे हम लोग चल करके मिट्टी को लेवल अप करने वाले हैं, आई मीन लेवल अप नहीं बस लेवल करने वाले हैं, और मुझे क्या क्या करना है वो मैं वहीं पर चल करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हाँ गाइस कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने से पहले मुझे यहाँ पर लेनी पड़ेगी भाई मेजरमेंट, तो मेजरमेंट लेने के लिए मैं यहाँ पर चले आता हूँ। और यहाँ पर ना गाइस मुझे एक बार ये चेकआउट करना है कि भाई इसकी मेजरमेंट यहाँ पर कितनी होने वाली है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई इसकी मेजरमेंट में एक बार टाइल्स गिन लेता हूँ, तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, तो कहते हैं टोटल ये 5 टाइल्स के। इसका मतलब मुझे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, आई मीन अपने घर सब जहाँ रहने वाले हैं, वो मुझे 5 टाइल, इसका मतलब इवेंट नंबर इवेंट नहीं कुछ ओड नंबर पर सेट होने चाहिए। और इनके भाई 1, 2, 3, 4 इनके यहाँ पर 4 में सेट हो जा रहे हैं, और इनके भाई तुम बताओ यार 1, 2, 3, 4, 5। ऑल राइट गाइस ये तो भाई गलत पंगा हो गया, क्योंकि यार यहाँ पर जो VIP मेंबर्स हैं ना वो यार एक हम है और जून अंकल है और दादी माँ है, बट यार इनके भाई यहाँ पर एक ड्रामे हो गए भाई। मैं सोच रहा था मैं भाई बीच में रहने वाला हूँ और बाकी यार इधर उधर यार ये दोनों रहेंगे, तो इस तरीके से मैंने यार यहाँ पर जगह डिसाइड किया था कि भाई ऐसे यहाँ पर रहने वाले। एक काम करते चलते भाई, तो मुझे नहीं कहते काम ये करना पड़ेगा, लाइक यार मैं यार बीच में रहना चाहता हूँ भाई इसकी ऐसे जैसे भाई ये लोग गए भाड़ में भाई, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं जो वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म बनाऊँगा ना, तो वो यार अपने लेंथ में होने वाले हैं, ओड नंबर और ब्रेथ में मैं काम करूँगा कुछ भी दे दूंगा यार क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है लेंथ और ब्रेथ मुझे इस तरीके से मेजर करनी पड़ेगी, बट यार मुझे लेंथ यार ओड नंबर पर ही सेट करने हैं। और राइट गाइस फिलहाल हम लोग उस लोकेशन पर आ चुके हैं जो कि आई थिंक यार यहीं वो लोकेशन है जहाँ पर मुझे अपने बाकी के काम करने हैं। लाइक यार देख रहे हो भाई मैं मैप क्यों ना देख लूँ भाई, क्या यहीं वो जगह है? ठीक है राइट गाइस यार यहीं वो जगह है, और यहाँ पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये सारे परिंदे भाई मुझे पता है भाई परेशान तो करने वाले, बट यार कोई नहीं यार इतना यार चलेगा। तो फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करवा देता हूँ, और लेट मैं हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड हो चुकी है। और अपने कहा मुझे यहाँ से ये देखना भाई पानी का लेवल क्या है भाई, मतलब हर एक चीज मुझे मेजरमेंट करके चलनी पड़ेगी। तो पानी का ना लेवल ये है भाई, तो इससे ना कहा मुझे 2 लेवल अप, मतलब यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो एक लेवल अप ये हो गई, और एक और लेवल अप मतलब इसका मतलब ये कि भाई मुझे ना गाइस यहाँ से कुछ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर एक और लेवल मुझे यहाँ पर चढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं काम करता रहा यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आगे से यार यहीं वो लोकेशन है जहाँ पर मुझे आगे सर अपने काम करने चाहिए।
मैं मैप में देख लेता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पर मिडिल में होंगे तो काफ़ी सही बात रहेगी। चलो हम लोग यहाँ पर मिडिल में एकदम से। तो फिलहाल भाई साहब यार ये भी भाई अलग ही पंगे है भाई। देख रो भाई निकल तेरी भैंस की इसकी सीखते थी यार। ये लोग भाई कचरा करेंगे यार अपने काम का यार। छी यार इसे हटाओ यार कोई। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने उसे यहाँ पर ढेर तो कर दिया। तो अब ना गाइस यहाँ पर यार कुछ ज़्यादा ही काम मुझे यहाँ पर निपटाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ना गाइस मैं यहाँ पर इसे तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यार ये भाई काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इन सबको मैं यहाँ पर तोड़ दूंगा, जितने फालतू चीज़ें भाई मैं सबको यहाँ से तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यार ये सारी चीज़ें भाई अपने को यहाँ पर चाहिए नहीं। और अभी ना गाइस मुझे यहाँ पर क्या करने वो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सवल लेता हूँ भाई साहब, मुझे सवल की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। लाइक यार काफ़ी गलत पंगा है, अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना अपनी सवल अगर टूट गई तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। ठीक है ज़्यादा कुछ तो खास काम मुझे यहाँ पर करने हैं, बस मुझे एक ही लेवल यहाँ पर चढ़ाने हैं। तो मैं काम करता हूँ, मुझे जबकि यहाँ पर ओड नंबर चाहिए ना, तो मैं वहाँ से लेकर के थोड़ी यहाँ तक नहीं आ रहे से नहीं भाई। सबसे पहले मैंने हेलीकॉप्टर को थोड़ी सी जस्ट यहाँ पर साइड करने वाला ऑल आट आगे से। यार ये काफ़ी परफेक्ट लोकेशन है, मुझे यार पीछे की साइड पर यार उतनी ही जगह छोड़नी पड़ेगी और आगे की साइड पर यार उतनी। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर लगा मुझे कुछ मार्कर देने पड़ेंगे। लेकिन इस जगह से मुझे यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करने हैं। तो फिलहाल लगा एक अपनी मार्कर ये हो गई, और दूसरी वाली मार्कर नगाज मुझे कुछ इस वाले जगह को देख करके भाई यहाँ से काउंट करने पड़ेंगे। मैं नगाज कुछ ओड नंबर यहाँ पर डिसाइड कर देता हूँ और उस हिसाब से मैं यहाँ पर आगे तक डिक कर लूँगा। और राइट गाइज फिलहाल मैंने यहाँ पर 27 घर तक डिक किए हैं। तो अब नगाज यहाँ से मुझे अपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो सबसे पहले नगाज मुझे यार यहाँ पर लेवल को अप करने पड़ेंगे, क्योंकि यार मुझे लग रहा था भाई मुझे लेवल डाउन करना है, बट यार ऐसा कोई सीन है नहीं। तो फिलहाल नगाज मैं एक बार वाटर लेवल देखता हूँ। वाटर लेवल यार ठीक है, ग्राउंड लेवल पर ही है। और अगर मैं इधर के साइड पर देखूँ तो ठीक यार एक लेवल अप ये रही, तो मतलब यार यहाँ तक एक लेवल करनी पड़ेगी, बस मुझे सवल का यूज करना है उसके लिए। और फिर ना अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो इसके बाद ना इसके ऊपर एक और लेवल मैं यहाँ पर चढ़ाने वाला हूँ। तो इस तरीके से बेसिकली अपना काम यहाँ पर होने वाला है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर इन सब डर्ट की यहाँ पर कोई काम है नहीं, तो फिलहाल मैं यही सारे डर्ट का यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। लाइक यार ठीक यार इनका मैं यूज कर ही लेता हूँ, क्या ही जाता है। एक ना गाइस मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर नहीं, मतलब यार एक रेक्टेंगल शेप बस मुझे यहाँ पर बनानी है। ऑल राइट गाइस डन। फिलहाल अगर मैं आप लोग को इसकी एक बॉर्डर दिखाऊँ ना, तो बॉर्डर मैंने यहाँ पर फिलहाल बना लिया है, और बस मुझे ये देखना है कि भाई अपने बॉर्डर जो है वो एक प्रॉपर लुक दे रही है या फिर नहीं दे रही है। और अपने भाई हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर हवा में झूल रहे हैं। भाई काम करता है, इसको मैं ड्राइव कर लेता हूँ। यार बैठ जा भाई। ऑल राइट गाइस फिलहाल मैं एक बार ऊपर होकर के देखता हूँ भाई क्या इसकी जो शेप है वो यहाँ पर परफेक्ट आ रही है या फिर नहीं आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो भाई इधर के साइड से मैंने 27 सेलेक्ट की है, बस एक लेवल और यहाँ पर बढ़ने वाली है। बट यार मैं आप लोग को बता ना, मुझे यार थोड़ी सी और यहाँ पर स्टैंड करनी पड़ेगी बॉर्डर को। लेकर आप लोग ये वाली डर्ट देख रहे हो, यहाँ के जो लेवल के डर्ट है ना, मुझे उतनी लेवल यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे चपटे से भाई नहीं लग रहे। मतलब आप लोग एक बार खुद देख लो भाई, मैं इसे थोड़ी सी यहाँ पर लंबे वाली लुक दे रहा था। भाई साहब यार अपनी यहाँ पर मैंने सवाल छोड़ दी भाई, मुझे पता है भाई यहाँ पर यार मैंने ऐसी कोई हरकत करके अपने बगनेट को भी इसी तरह छोड़ा होगा भाई। तो चलो गाइस फिलहाल एक काम करते हैं, मैं अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर बैठ जाता हूँ। यार बैठना भाई आराम से भाई, मैं अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर बैठ जाता हूँ, और कल सुबह ना हम लोग दोबारा से यहाँ पर आएंगे और आप लोग को एक बार मैं दोबारा से अपनी बॉर्डर में दिखा दूंगा, क्योंकि यार मुझे लग रहा है भाई काफ़ी लोगों को ऐसा दिख रहा होगा नहीं। तो ठीक है जिनको जिनको यहाँ पर नहीं दिखाई दिया, मैं कल सुबह आप लोग को जब लेकर के आऊँगा ना, तब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूंगा। बाकी मुझे यार इसके अंदर यार डॉगीज को भी छोड़ने थे, वो तो यार मैंने छोड़े ही नहीं। ठीक है उनका एक काम हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, बाकी अपने पास यार ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं सबसे पहले यार चल करके सो लेता हूँ, उसके बाद ना बाएँ काम लोग कल सुबह करने वाले हैं। ऑल राइट गाइस हो चुके प्यारी सुबह, और साथ ही साथ एक प्यारी सी बारिश भी हो रही है। चलो अच्छा भाई आज बारिश का दिन है, अपने सारे पौधों में ऑटोमेटिक पानी पड़ जाएंगे। मैं उस पौधों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले पौधों की बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगर मुझे यहाँ पर ये देना है भाई, क्या अपने गोभी यहाँ पर आए या फिर। ऑल राइट गाइस यहाँ पर अपने गोभी आ रखे भाई। फिलहाल मैं सारे गोभी को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार इससे भाई हम लोग क्या बना सकते हैं वो तो यार मुझे नहीं पता। और एक सेकंड भाई साहब अपने पंपकिन भी यहाँ पर आ रखे भाई। लो यार फिर तो देख रहे हो भाई, अच्छा भाई अपने पंपकिन यहाँ पर आ चुके हैं। चलो यार मैं सारे पंपकिन को यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, और भी एक आध पंपकिन अगर इधर उधर हो तो मैं ले लूँगा। बाकी मुझे नहीं था एक काम करता, यहाँ पर मैं जितने सारे गोभी हो पाते हैं ना उतने गोभी को मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ना मैं लगे हाथ अपने फर्टिलाइजर डाल करके, और यहाँ पर बना देंगे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हाँ यहाँ पर हम लोग लगा देंगे अपने भुट्टे को। और राइट गाइस टर्न, फिलहाल मुझे लग रहा है भाई मैंने सारे में यहाँ पर भुट्टे से जो थे वो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब यार एक भी ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पर मैं भुट्टे लगा सकता हूँ। तो फिलहाल एक काम करते हैं, जितने सारे फालतू के सामान यहाँ पर रह गए हैं वो सारे सामान को मैंने घर पे रखवा करके आ जाता हूँ, और उसके बाद नगद हम लोग यहाँ पर दोबारा आएंगे। यहाँ पर नहीं आएंगे, मैं काम करूँगा, मैं सीधे चलूंगा भाई अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ करके अपने परमानेंट हाउस को बनाने के लिए। ऑल राइट गाइस डन, फिलहाल अपना इतना काम यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल मैं इसके ऊपर बैठता हूँ और चलते भाई सीधे वहीं पर,
और अभी निकल मैं अगर मैं आप लोग को बताना तो यहाँ पर जिमी आया होगा, ठीक है, इस जगह पर जिमी आ रखा है। बट यार फिलहाल यार सो सॉरी गाइस, मैं जिमी से मिल नहीं सकता। और हाँ यार मैं अपनी ग्लाइडर यार क्यों फेंक दिया, मैंने कहा चलता भाई जिमी से मिल करके आता, क्योंकि यार मुझे ना जिमी से यार कुछ चाहिए, तो मुझे यार जिमी से यार मिलने पड़ेंगे। मतलब मुझे बेसिकली गोल्डन वाली पेंट बकेट चाहिए, जो कि मैं चाहता हूँ भाई, अगर वो ना मैं अपने हेलीकॉप्टर पर चढ़ा दिया ना यार, देख रो भाई अभी यार मैंने मगरमच्छ के मुंह में से भिड़ा दिया अपने जेस्की को। तो ठीक है फिलहाल एक काम करते भाई, चलते भाई जिमी के पास और उससे ना मैं अपनी ग्लाइडर नहीं उसे कहते क्या भाई, और एक सेकंड भाई साहब यार मैं जंप भी करवा सकता हूँ भाई, भाई साहब देख रहे हो भाई। तो ठीक है जिमी आई थिंक यार यहीं कहीं होगा, तो मैं यार चलता भाई जिमी के पास और वहां से मैं पेंट बकेट ले लूंगा। तो चलो गाइस फिलहाल मैं अपनी जेस्की को भगाते भगाते जिमी के पास चले आया हूँ, और अभी ना मुझे अपनी जेस्की को यहीं पर रुकने है भाई। रुक जा भाई, हैंड ब्रेक में लगाता हूँ, नहीं यार इसे भाई जंप करता, फिलहाल मैं इसके बोर्ड पर चलता हूँ भाई। तो ना यार पेंट बकेट भाई साहब, भाई भाई साहब इन्होंने भाई ले आया, और ये क्या भाई गोल्डन अल्फा बूस्ट है जो। तो गाइस मैं इसके बारे में बताना भूल गया, ये ना गाइस मैं ऑलरेडी यहाँ पर खरीद लिया था जब मैं ऑफलाइन यहाँ पर खेल रहा था, क्योंकि यार मैंने 10 लाख मैंने अपने उसके अंदर तो जमा करवा देते, और ये 1000 के यहाँ पर पेंट दे रहा भाई, मैं यहाँ पर गोल्डन पेंट लेता, और नहीं देगा तू? नहीं यार फिलहाल यार इन्होंने भाई कुछ नहीं दिया, और अपने पास यार एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं इसे यहाँ पर सेल करवा सकता हूँ, ठीक है यार। तो फिलहाल ना एक काम करते यार, चलते भाई यहाँ पर अपनी जर्सी को लेकर के, और मैंने कहा अभी काम करो यार मैं अपने घर पर ना जा करके मैं काम करूँ, मतलब हेलीकॉप्टर को लाना यार कुछ खास जरूरत तो है नहीं लेकर। हाँ यार मैं सही बात कर रहा हूँ, एक बार आप लोग मेरी लॉजिक समझो, हेलीकॉप्टर को लाना यार कुछ खास जरूरत है नहीं। तो मैंने कहा चार हो भाई, और एक सेकंड यार इसमें यार ठोकने नहीं भाई इसके, तो मुझे ना गाइस अभी करने क्या भाई, अपने बोट से ही चलने वाला भाई अपने इस वाले लोकेशन पर, क्योंकि यार ये तो भाई ला नहीं सकता मैं, तो चलते भाई अपने बोट से ही, और वहाँ पर अपने बचे खुचे जो काम है वो मैं यहाँ पर करवा लूँगा। तो चलो गाइस फिलहाल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और अब ना गाइस एक काम करते रहे, यहाँ पर एक ट्रेजर है भाई, फटाफट से इनको ले लेते भाई, ग्लास बर्मलेट और लाइट कोई नहीं यार। तो फिलहाल ना मुझे एक काम ये करने के भाई, यहाँ पर आप लोग जितने सारे डर्ट देख रहे हो ना, मुझे ना यहाँ तक लेवल करने हैं, तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेगी। तो ये सारे प्लान है भाई अपने, और गाइस एक बात मैं आप लोग को बताना था यार, आज भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर बचा नहीं, पता नहीं आज अपना कितना काम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। बाकी इन सारी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ को मैं यहाँ से हार्वेस्ट कर लूँगा भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पर छोड़ने वाला होने, क्योंकि यार ये एरिया ना गाइस मुझे पूरा क्लियर चाहिए। और एक सेकंड भाई साहब ये क्या है भाई, आई गेस यार ये मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, लाइक यार हार ये मुझे यार ऑलरेडी मिल चुकी है, इसे यार मैं अभी फिलहाल यहीं रखता हूँ, पता नहीं यार उसका मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है उसे मैं फिलहाल यहीं रख रहा हूँ, बाद में इसका पंगा हम लोग देखेंगे भाई। और राइट गाइस डन, फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर अच्छी खासी एक बॉर्डर बना लिया है, जिसके अंदर ही मुझे यहाँ पर टोटल में पूरे डर्ट को भरने हैं, वो भी दो लेयर तक। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये अपनी फर्स्ट लेयर है, और मुझे एक और जंप करके यहाँ तक सेकेंड लेयर तक भरनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है भाई। मतलब यार अगर मैं आप लोग को बताना, मैं अगर थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निक ना लगाओ तो यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बाकी अगर मैं टेक्निक लगा दूँ तो थोड़ी सी अपनी डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या सीन करने आप लोग को मैं बताता हूँ, यहीं से मैं डर्ट खोद करके इसके अंदर डालने वाला हूँ। बट यार आप लोग अगर ये सोच रहे हो भाई अगर मैं यहाँ से डर्ट खोद रहा हूँ तो फिर यार इस डर्ट का क्या, जहाँ से मैं यहाँ पर खोद रहा हूँ लेकर फिर इस गड्ढे में यार मिट्टी कौन भरेगा? तो देखो यार सीन को चलता है भाई, ये नगद एक लिमिट तक डिग हो पाते हैं, उसके बाद नगद ये अनलिमिटेड डर्ट देने लग जाती है। ये यार मैंने तब देखा था जब मैं वो ग्लिच ट्राई करा था, तब मुझे पता चला कि भाई मैं अनलिमिटेड यहाँ पर डिग नहीं कर सकता हूँ, मतलब आई मीन डर्ट तो हमें मिलेगी अनलिमिटेड, बट यार मैं एक लिमिट तक यहाँ पर डिग कर सकता हूँ। तो ये बात नगद मुझे उस वक्त पता चली है, रात के बाद हम लोग देखेंगे भाई अपना कितना काम यहाँ पर ख़त्म हुआ है। और राइट गाइस फिलहाल अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो मैंने गाइस यहाँ पर डिग करके अच्छी खासी स्पेस को यहाँ पर कवर अप कर दिया है। मतलब देख लो भाई, मतलब ठीक है अगर इतनी अच्छी खासी स्पेस हम लोग यहाँ पर कवर अप कर पा रहे हैं, लेकर देख लो भाई यहाँ तक हम लोग एटलीस्ट यार यहाँ तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो मतलब यार मुझे यार अच्छी लगी भाई ये वाली ट्रिक, और अगर हम लोग यहाँ से डर्ट लेना शुरू करें तो मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो आई मीन यहाँ से तो मैं ये वाली स्पेस को पूरी कवर अप कर लूँगा, यहाँ तक मैं कवर कर लूँगा, और फिर ना हम लोग यहीं कहीं से ले लेंगे और इतना काम ना यहाँ पर हो जाएगा। मतलब काफ़ी यार सही ट्रिक मैंने यहाँ पर निकाली, जो कि काफ़ी यार काम को इजी बना दे सकता है। तो ठीक है यार फिलहाल एक आध इधर से लग गई है, बट ऐसे मुझे यहाँ पर हटानी है, क्योंकि यार इसका इन फ्यूचर में हमें यहाँ पर काम ही आने वाला है। तो ये जो आप लोग थोड़े बहुत डर्ट जो देख रहे हो, जो कैसे मिट्टी मिट्टी, मतलब मिट्टी तो वैसे है, बट आप लोग जो कीचड़ वीचड़ से जो देख रहे हो,
वो ना गाइस अपने टाइल में जब लगाऊंगा ना, तो टाइल्स लगाने के बाद ये यहाँ से हट जाएंगे, तो कोई सीन होगा नहीं। तो ठीक है, फिलहाल इतना काम यहाँ पर रहने देते हैं। मैंने कहा जब कल सुबह यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के आऊँगा ना, तब यार आप लोग इसकी लुक देखना भाई। तो उतनी भी यार दूर है नहीं, मुझे नहीं लग रहा है भाई मैं इतनी बड़ी लेवल पर यहाँ पर बनाऊंगा ना, लग यार अपने घर तक तो कहीं यार ऐसा सीन हो जाता भाई, अपने घर तक चले जाए वो तारे लगी पंगा हो जाएगा। फिलहाल हाँ, अब यार मैं सीधे चलने वाला भाई, कोई भी काम मैं नहीं करने वाला, सीधे चल के भाई मैं सो लूंगा, क्योंकि यार मेरा तो कोई मूड है नहीं भाई कुछ भी करने का यहाँ पर। ऑल राइट गाइस, डन हो चुके प्यारे सो, एक काम करते हैं, काम करते हैं, मुझे ना गाइस अभी एक घुट्टी लेने की जरूरत है, क्योंकि यार मुझे पता भाई मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर काम नहीं कर पाता हूँ, तो एक घुट्टी बस मैं पी लेता हूँ। इससे ना गाइस फायदा पता है क्या होगा, लेकर अपने एनर्जी बार जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी खासी अपग्रेड हो जाएगी। तो चलो अपनी एनर्जी बार यहाँ पर जब अपग्रेड हो चुकी है, तो यार एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ भाई अपने गोल्डन पेंट को ना गाइस, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हेलीकॉप्टर पर चढ़ा दूँ, क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर पेंट कर रखा, लेकर मैं आप लोग को बताओ तो अपनी जेट्सकी को मैंने पेंट कर दिया, और इसको मैं पेंट देकर देता हूँ भाई साहब, यार फुल यार एक अंबानी वाली फीलिंग आ रही है, लाइक यार देख रहे हो भाई काफी ऐसी प्यारी लुक आ रही है। बट यार अभी यार अपने पास ज्यादा टाइम है नहीं कि मैं इसकी लुक यहाँ पर निहारूं, तो फिलहाल लगा चलते भाई हम लोग इसे यहाँ पर बना लेते हैं, जो कि मुझे वुडन कैरेट बनाए, बस मुझे दो बनाने भाई, मैं बस दो ही बनाने वाला हूँ। फिलहाल एक काम ये कर दे भाई, अपनी सवल जो वो मैं यहाँ से परचेज करता हूँ, क्योंकि अपनी सवल यार इसे मरने मरने को हो रखी है भाई। ऑल राइट गाइस, इतने सारे पंपकिन यहाँ पर मेरे को मिलने वाले भाई, सबको मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यार इस सब की मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है यार, करो यार फिर। तो चलो गाइस, आई थिंक यार मैंने सारे पंपकिन यहाँ से कलेक्ट कर लिया, और मैं देखूँ तो भाई साहब 61 पंपकिन यहाँ पर आ रखे हैं, और इसके अंदर भाई क्या बात विचार है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो भाई ये अभी तक दो ही दिन तक काम किए भाई, चलो ऐसे और करने थे, फिलहाल मैं अपने पंपकिन का रखवाड़ के आ जाता हूँ। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने सारा सारा काम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपने घर का, तो चलते यार सीधे अपने गोल्डन वाले हेलीकॉप्टर को लेकर के अपने परमानेंट हाउस के अड्डे पर, उसके बाद न गाइस हम लोग यहाँ पर आएगा काम करना स्टार्ट कर देंगे। और गाइस अभी मैं आप लोग को इसकी एक हेलीकॉप्टर व्यू दिखाता हूँ, जो कि यार अभी अपने लैंड की हो रही है भाई, मतलब अच्छी खासी एरिया भी मैंने यहाँ पर बना रखी है, बाकी हर एक चीज़ यार ओके है भाई, हर एक चीज़ यार परफेक्ट है भाई, मतलब देख रहे हो भाई ये मैंने जहाँ पर डिग किया ना वो यार काफ़ी गलत पोजीशन पे था, आई मीन गलत लोकेशन पर था, मुझे थोड़े से उधर के साइड पर डिग करने चाहिए थे थोड़ी बहुत, एक आध देख लो भाई मैंने गड्ढे गुड्ढे से बना रखे हैं, बेसिकली व्हील बैरो से हम लोग इनको ठीक कर लेंगे। और लाइट अपने हेलीकॉप्टर को मैं क्या करूँ, अपने पॉकेट में रख लेता हूँ, क्योंकि यहीं इसके लिए काफ़ी बेस्ट जगह है, और व्हील बैरो को मैं काम करता हूँ यहाँ पर निकाल लेते हैं, बाद में यार मुझे इसके गड्ढे हैं जबकि यहाँ पर फिल करने हैं, तो इससे मैं यहाँ पर फिल कर लूँगा। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने अपने दोनों व्हील बैरो को यहाँ पर निकाल लिया है, और ट्रेजर एक आध यहाँ पर मिल रहे भाई, फिलहाल यार ये सारी चीज़ें मैं लेते चलता हूँ, क्योंकि इनको भाई ऐसे छोड़ने हैं नहीं, और मैंने जब घुट्टी पिकड़ के आई है ना वो यार अपने काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो अब ना गाइस मैं यहाँ से लेवल करना स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि यार थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट काम है, बट यार मैंने अपनी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी कम कर ली है थोड़ी सी ग्लिच के मदद से, ग्लिच नहीं आई मीन इस गेम का यार जब रूल ही है तो यार क्यों ना उसका यूज किया जाए। सो गाइस और फाइनली अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो मैंने फाइनली सारे सारे डर्ट को यहाँ पर एक लेवल अप कर लिया है, बट यार यहाँ पर थोड़े से रह गए हैं, वो यार इसीलिए क्योंकि यार मैं थक नहीं गया, वो यार इसीलिए क्योंकि यार अपनी सवल यहाँ पर कच्ची हो चुकी है। और अभी मैं एक काम करता हूँ, हेलीकॉप्टर को यहाँ पर निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार अब यार हमें उड़ करके यार अपने घर को जाना है, और उसके बाद नगर हम लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर रेस्ट कर लेंगे आज भर के लिए, और फिर कल से यार हम लोग यही काम स्टार्ट करने वाले हैं। बस यार अपने एक लेवल यहाँ पर अब हो चुके हैं ना, अभी आप लोग यहाँ से देख लो भाई, अगर आप लोग यहाँ से देख रहा होगा तो ठीक है, वरना यार कल सुबह आप लोग यहाँ पर देख ही लोगे। तो क्या सर अभी मैंने यहाँ पर इसे एक लेवल अप तो कर दिया है, तो अगली सुबह से ना गाइस मुझे इसे यहाँ पर दो लेवल अप करनी पड़ेगी, और मुझे ना गाइस फ्रैंकलिन से चल करके रिपेयर टूल भी बाय करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग उनसे अपनी सवल को रिपेयर करवा सके, जो कि काफ़ी सही सीन होगा। बट यार अभी यार मेरा कोई मूड है नहीं, जब मैं कल सुबह इसे खरीद ही सकता हूँ तो कल सुबह हम यहाँ पर खरीद लेंगे। और क्या सर कल सुबह यार मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ जब ये सारे सारे पंपकिन यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिलहाल टाइम पास बाद में मैं सीधे चलता हूँ भाई अपने घर पर सोने के लिए, और कल सुबह मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस फिलहाल हो चुके प्यारे सुबह, और यहाँ पर यार हमें किसी ने मैसेज किया भाई, देखते भाई क्या रखा है भाई, पैंट दे रहे भाई ये लोग, तो चलो यार फिलहाल यार इसकी पैंट में ले लेता हूँ, पैंट को मैं कहाँ रखा है अंदर ही रखवाते हैं, जबकि अभी अपने पास यहाँ पर टाइम है ना, देखो यार अपनी सवल के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फिर जब तक मैं सवल यहाँ पर परचेज नहीं करता तब तक यार अपने पास यहाँ पर टाइम है थोड़े बहुत, तो मैंने कहा थोड़े बहुत यहाँ पर काम वगैरह सब कर सकता हूँ। और एक सेकंड यार इसके अंदर क्या रखा है भाई, ऑल राइट तो रियान हमसे कुछ ट्रेड करना चाहते हो, मैं काम करूँ वो वाले पैंट ही मैं चल कर देता हूँ जो कि हमें कुलवर ने भिजवाए हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर घुट्टी पी लेता हूँ,
घुट्टी का काम ना यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर यार क्या थी भाई, ये थी, तो ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और चलते भाई सीधे अपने खेत के अंदर और देखते भाई अपने खेत में यहाँ पर क्या क्या आ रखे। वैसे देखा जाए तो भाई ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ लगे हाथ। और गाइस जब तक मैं सबको यहाँ पर कलेक्ट करूँगा तो यार जोन अंकल तो अपने शॉप के अंदर जा चुके हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर आए नहीं है, बस एक ही चीज़ यहाँ पर आ रखे थे। चलो यार अच्छा भाई ज़्यादा कुछ यहाँ पर आए नहीं। और ये सारी चीज़ आई डोंट नो यार ये पहले यार कैसे आते हैं, लाइक यार हाउ यार, मैंने सबको यार एक साथ लगाया था फिर यार एक आध यार पहले क्यों। बाकी अच्छा भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं यार, तो फिर यार हम लोग इन सारी चीज़ों में यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितने सारे टमाटर इनको मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। और बाकी जो बात ये ख़राब हुए सवाल है ना, इसको मैं एक काम करता रहा यहीं पर फिलहाल रखवा देता हूँ और बाद में हम लोग रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं आप लोग को बताता हूँ उसके अंदर जगह बची नहीं है। ऑल राइट गाइस फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर ना गाइस आप लोग एक बार देख लो भाई मैंने कितने काम यहाँ पर कर लिए, एक लेवल अब यहाँ पर अपनी हो चुकी है। तो फिलहाल मैंने हेलीकॉप्टर को यहीं आसपास लैंड करा, वैसे यार तोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, बस मैं लैंड करवाया तो उससे यार अपना काम यहाँ पर बन जाएगा। ऑल राइट गाइस लास्ट में अपने यहाँ पर सेकेंड लेवल तक के काम चल रही थी, तो गाइस मैंने अच्छे खासे एरिया यहाँ पर कवर तो किए हैं, बट यार स्टिल यार ये देख रहे हो अपने सवाल यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं बार बार, इसलिए यार मुझे काम को यार बीच में छोड़ करके यार घर जाना पड़ता है। तो चलो गाइस फिलहाल मैं घर चलता हूँ और कल ना गाइस अपने को काफ़ी काम होने वाला है। कल अपने को क्या क्या काम होने वाला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले ना गाइस मुझे अपने जितने सारे वेजिटेबल्स है उसे यहाँ से उखाड़ने पड़ेंगे। और फिर ना गाइस अपने जो वो देख रहे हो आप लोग माइनिंग एक काम करो यार, मैं यार माइनिंग काम अभी कर लेता हूँ, लाइक यार ये अच्छा ऑप्शन है। तो कल सुबह यार काम अपने को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो यार अच्छा ऑप्शन है यार, मैं काम करता हूँ, मैं चलता हूँ भाई सीधे अपने माइनिंग साइट पर और वहाँ पर थोड़ी बहुत मैं माइनिंग कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस फिलहाल हम लोग यहाँ पर माइनिंग काम करके आ चुके हैं, मैं यार कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ, तो सबसे पहले यार यहाँ पर सो लेते हैं, कल सुबह मैं आप लोगों से मिलता हूँ। और आगे सर आवाज़ सुन के लग रहा था भाई यहाँ पर बारिश होने वाली है, देखते भाई यहाँ पर क्या चक्कर होता है। ऑल राइट गाइस हो चुके प्यारी सुबह और यहाँ पर ना गाइस ठीक यार इसको मैं यार इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, तो ठीक है यार फिलहाल मैं यहाँ पर चलता हूँ। और मुझे जबकि यहाँ पर एक सवल बाय करनी है ना, तो फिर यार मुझे थोड़ी सी यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है। फिलहाल हाँ ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर इंसर्ट करवा देता हूँ, ये यार अपने काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवा दिया और अगर मैं चाहूँ तो और भी यहाँ से पिकअप कर देता हूँ, बट यार फिलहाल मैं कर नहीं रहा हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं अपनी घुट्टी में पी लेता हूँ और चलते भाई सीधे अपने खेत के अंदर और देखते भाई यहाँ पर क्या क्या आ रखे हैं। भाई साहब यार ये हुई ना बात, देख रहे हो भाई एक साथ हम लोग कितने सारे पम्पकिन हार्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक यार सारी पम्पकिन यहाँ पर आ चुकी है और भुट्टे भी यार कुछ टाइम के बाद आ ही जाएंगे, वो यार अपने लिए और भी अच्छी बात रहेगी फिर तो। ऑल राइट गाइस फिलहाल मैंने अपने खेत को यार पूरा पूरा सफाचट कर दिया है, लेकिन यार ये काम करने में ना गाइस मुझे यहाँ पर लगे भाई 2 घंटे पूरे पूरे। और मेरे पास जो यहाँ पर स्टफ्स हुए हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता, तो 198 यहाँ पर अपने को पम्पकिन मिली है और 72 टमाटर जो कि यार काफ़ी ज़्यादा कम ही थे, तो टमाटर यार कम मुझे मिले हैं बट यार पम्पकिन देखो भाई 198 सीधे जो कि यार काफ़ी ज़्यादा है भाई, लेकर ये फार्म बनाने का यार समझ रहे हो भाई कितना फ़ायदा अपने को हो रहा है। तो फिलहाल नगद मैं काम करूँ यार, मैं चलता हूँ भाई ये सारे चीज़ों को मैं यहाँ पर रखवा देता हूँ। और अब नगद मैं जोन संकल से अपने सामान, भाई साहब यार टमाटर तो भाई 1000 से भी ज़्यादा हो रखे हैं भाई, तो मैं यार चलता हूँ भाई जोन संकल से अपने सवाल में परचेज कर लूँगा फिर चलेंगे भाई अपने काम पे। और राइट गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर और अनफॉर्चुनेटली हमें अभी बारिश में ही काम करना पड़ेगा, कोई नहीं यार कर लेंगे यार। फिर मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पर लैंड करवा देता हूँ और भी नहीं चलते हुए अपने काम कर फटाफट से निपटा लेते हैं। सो गाइस और फाइनली ऑलमोस्ट हम लोगों ने यहाँ पर सारा काम निपटा लिया है, बट यार अपनी सवल यहाँ पर कच्ची हो चुकी है, नहीं तो यार मैं इनका भी काम यहाँ पर निपटा था। बस यार यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची है जो कि मुझे लेवल करने की ज़रूरत है, बाकी सारा काम ना यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो फिलहाल लगा मैं काम करता हूँ, चलता हूँ भाई सीधे अपने घर पर, जैसा कुछ खास काम करना तो है नहीं, मैं यार सीधे चल करके यार सो लूँगा क्योंकि यार मैं यार कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ। तो ठीक है हम लोग घर चल करके सो लेंगे और उसके बाद ना नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलो गाइस यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग के भी नेक्स्ट मॉर्निंग, वो यार इसीलिए क्योंकि यार कल यार संडे था जिसके कारण मैं अपने सवल बाय नहीं कर पाया, तो आज ना गाइस हम लोग अपने सवल भी बाय कर लेंगे और चलेंगे अपने डर्ट को लेवल करने के लिए। बाकी यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर ना भुट्टे भी अपने आ रखे हैं, मतलब यार आप लोग सोच लो भाई यहाँ पर मैंने कितनी ज़्यादा मेहनतें की है भाई साहब, मतलब यार थोड़ी सी मैंने रेस्ट नहीं ली है भाई साहब, पूरे दिन यार मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। बाकी अभी ना गाइस मैं थोड़ी सी यहाँ पर वेट कर दे ताकि अपने जोन अंकल जो है वो अपने शॉप के अंदर चले जाए, फिर यार अपना कोई सीन है नहीं, मैं यार उनसे जाकर के सवल परचेस कर लूँगा।
तो चलो गाइस, फिलहाल हम लोग सारे सारे सामान लेकर के इस वाले लोकेशन पर आ चुके हैं। और अब ना गाइस, यहाँ से हम लोग बाकी का काम इसके आगे काम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आई डोंट नो यार, ऐसी कलर यार ऐसी क्यों हो जाती है बार बार। चलो यार ठीक है यार, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देते भाई अपने डर्ट को लेवल करना। और फिर ना गाइस, आज के दिन अपना ये काम जो ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये भाई फिनिश हो जाएगा, इससे मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करने हैं। तो ठीक है, एक यही काम था जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था, बाकी हर एक काम हम लोग यहाँ पर इजीली निपटा सकते हैं। ऑल राइट गाइस, अभी बज रहे 2:02। और अभी ना गाइस, यहाँ पर जितने सारे लेवलिंग का काम था वो मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लिया। और अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर जो मैंने गड्ढे से कर रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर लगे हाथ भर ही दिया। फिलहाल यार यहाँ पर थोड़े बहुत यार ये गंदे से यार डर्ट लग रहे हैं, इसको ना गाइस मुझे आई थिंक यार हटाने की जरूरत है। ऐसे नहीं, मुझे पता है इसे कैसे हटाना है। मैं इसके ऊपर एक बार बस चलाऊंगा अपनी सवल, और उसके बाद ये लोग गाइस ये पूरे यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। और इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह के डर्ट को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ये टिप्स आप लोग नोट कर लो। तो फिर गाइस आगे सर अपना काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, मतलब यार ऑलमोस्ट पूरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो ही चुका है जितनी कि मैंने यहाँ पर टारगेट की थी। तो अब ना गाइस मुझे लगता है भाई अभी यहाँ पर मुझे कोई काम करने की कोई जरूरत है नहीं। और वैसे यार इन्होंने भाई अंडे दिए, मुझे नहीं पता था भाई ये लोग ऑटम में भी अंडे देते हैं। लैकेट देख रहे हो भाई, और क्या मैं इसे ड्राइव करूँ तो ये इधर उधर से छिटक जाएंगे? नहीं यार, ये भाई कुछ अलग ही लोकेशन पर ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ लैंड करवा देता हूँ। और अब ना गाइस अपने जितने सारे अंडे हैं ना वो मैं अपने हेलीकॉप्टर पर लैंड करके चलता हूँ भाई यहाँ से। और गाइस आई डोंट नो यार, यहाँ पर यार एक भी मुर्गी परेशान करने के लिए नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर यार तीन तीन मुर्गियाँ होती है, बट यार अभी यार फिलहाल यहाँ पर देख रहे हो भाई एक भी मुर्गियाँ नहीं है भाई। पता नहीं यार सारे आखिर गए कहाँ पर। लेकिन तीन मुर्गियाँ और तीन घोंसले, ये यही सारी चीज़ें यहाँ पर होती है बेसिकली, बट यार फिलहाल यहाँ पर है नहीं यार। डोंट नो यार यहाँ पर क्या चक्कर है भाई, लेकिन यार मुझे उससे क्या मतलब। मैं यार अपने अंडे को यहाँ पर, तेरी भैंस की आँख, मैं बस यार अपने अंडे को यहाँ से लेकर के जाने वाला यार। इससे यार तुम यार इधर उधर यार क्यों गिर रहे हो? तो चलो गाइस फिलहाल इतना काम ना यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब यार मुझे यहाँ पर कुछ करने नहीं है। तो फटाफट से ये सारे अंडे जो है वो मैं लेकर के चलता हूँ अपने घर पे। और अभी ना गाइस एक बार आप लोग लोकेशन में यार इसकी ये देखो भाई, और एक सेकेंड भाई साहब, मतलब यार ये ऐसी से यार क्यों आ रही है भाई। लाइक यार देख रहे हो भाई मैप में यार कुछ और ही दिख रहे हैं भाई। बाकी यार अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो यार ये पूरे मैंने फ्लैट कर रखी है, जो कि एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म मुझे लग रही है जहाँ पर अपना घर होने वाला है। तो ठीक है यार चलते हुए अपने सीधे घर पे ये सारे अंडे मैं सेल करवा दूंगा, बाकी के जो बच्चे कुछ काम है वो मैं वहाँ पर निपटा लूंगा। तो आई थिंक यार आज के एपिसोड को बस इतना रखना चाहिए। तो फिर बस यार आज के एपिसोड को बस इतना रखते हैं। आई होप यू गाइस कि आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने वीडियो को इन्जॉय किया तो फटाफट से लाइक कर देना। और हाँ अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, फटाफट से अपने चाय के चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसमें यार पैसे वैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो ठीक है यार अपने भाई को प्लीज सपोर्ट करो यार। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।